हाँ बेटा मैम, हम लोग बास्केटबॉल टीम सिलेक्शन के लिए हमने अपनी हाइट नाप के देखी। हाँ। तो हमें खम्बा दिखा नापते नापते, तो हम उस खम्बे की हाइट तो हम टेप से, मतलब टेप से नहीं नाप सकते। हाँ हाँ। तो हम उसकी हाइट कैसे नापेंगे? क्या दिक्कत है, चढ़ जाओ उस पर और नाप लो। नहीं चढ़ सकते। सही बात है, हम उस पर नहीं चढ़ सकते। ऐसे ही ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, है ना, इनकी भी जो ऊंचाइयां हैं वो तो हम इस तरीके से मेजरिंग टेप से नहीं नाप सकते। उसके लिए एक गणितीय संकल्पना है। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हो कि नहीं? यस मैम। पढ़े हो ना त्रिकोणमिति? तो उस संकल्पना की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या है, अब खम्बे की तरफ देखो जरा, वो खम्बा जमीन के साथ आपको कैसा दिख रहा है? लंबवत दिख रहा है। यस मैम। दिख रहा है ना। और इसके लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो जहाँ से हम उस खम्बे का को देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से उसकी दूरी चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अभी, ठीक है, तो मेरे से उस खम्बे की दूरी मुझे एक चाहिए, जिसे हम आधार रेखा कहेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए जहाँ से मैं उस खम्बे को देख रही हूँ, जिस भी चीज़ की आपको ऊँचाई नापना है उसे आप जहाँ से देख रहे होंगे वहाँ से उस वस्तु की जो शीर्ष है उस वस्तु का, उस पर जो कोण बनेगा, ठीक है, तो कोण कैसे बनेगा, एक आधार रेखा भी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि मैं अपनी यहाँ आँख से देख रही हूँ, तो जो दूरी हम बोल रहे हैं खम्बे की, वो यदि हम अपने पैर से उस खम्बे का जो पाद है वहाँ तक का नापे, वो भी मेरे आँख से उस खम्बे तक का जो नापूंगी उसके समान ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समानांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके खम्बे तक का मान लो एक आधार रेखा हो गई, और शीश अपने आँख से मैं उस शीर्ष को देख रही हूँ, तो ये एक रेखा दिख रही है जो मैं आँखों से देख रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि। और एक रेखा यहाँ से बन रही है तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और ये मानव जैसे आपको बोला कि यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है मेरी आँख से, वो उसको क्या मान लें, यहाँ पर एक लाइन को आधार, तो यहाँ एक कोण बन रहा है, ठीक है। ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। तो अभी एक कोई आपको एक आकृति समझ में आ रही है क्या? देखो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और एक खंबा अपने को दिखाई दे रहा है। यस मैम। समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़े हो, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए? एक तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी चाहिए उस वस्तु तक की, और दूसरा एक उन्नयन कोण चाहिए। मैम इस कोण को नापेंगे कैसे हम? बिल्कुल सही पॉइंट तुमने कहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लिनोमीटर। देखो मेरे पास यहाँ पर एक मॉडल है, ये जो है, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो, जैसे मैं इसको ऐसे सीधा रखी हूँ, ठीक। यहाँ पे आप देखो 0 और 180 दिख रहा है, आधार रेखा दिख रही है। अब यहाँ पे एक मार्किंग भी दिख रही है आपको, ये मार्किंग है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आँख से खम्बे के शीर्ष को ऐसे देखेंगे। ये देखो एक खम्बे का शीर्ष हम देख रहे हैं, और आप देखोगे कि आप इस चांदे पे, यहाँ चांदा है, आधार रेखा की सहायता से कोण का मापन कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम कोण का मापन करते हैं और आधार रेखा का दूरी देखते हैं, और क्या निकाल लेते हैं हम, उस खम्बे की ऊंचाई। इसके लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग कर रहे हैं, है ना। उसका अनुपात अच्छा कैसे निकालेंगे जानना चाह रहे हो? चलो एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए करके देखते, तो चलो बच्चों करके देखते हैं, ठीक है, कैसे हम उस खम्बे की ऊंचाई को नापेंगे। मैंने आपसे कहा था दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, जिस बिंदु से आप उसे देख रहे होंगे, ठीक है, वहाँ से उस वस्तु की दूरी, ठीक। तो मान लेते हैं कि अभी हम ये जो हमारे किलोमीटर है इसको हम अपनी आँख मानेंगे, यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या चाहिए, खम्बे की दूरी चाहिए पहले, ठीक है। तो ये दूरी भी वही होगी जो आप इसके जस्ट नीचे से जो नापेंगे खम्बे को, वो दूरी समान होगी, ठीक है। तो चलिए तो पहले नाप लीजिए, लीजिए मीटर, ये मीटर टेप, और यहाँ से शुरू कीजिए इसके जस्ट नीचे से, इसको यहाँ पे रखो, इसको रखो यहाँ पर, हाँ चलो, तो मैं इसको रखो यहाँ पर, देखो, अरे रे रे कहाँ ले जा रही हो, लाओ लाओ लाओ, चलो, हाँ ठीक है, नीचे रख लो, मैं यहाँ से नीचे गली में रख लो, अरे ठीक मत नहीं, लाओ लाओ, नीचे नहीं नहीं लाओ, तो चलिए आप कोण का मान थीटा फाई कुछ भी ले सकते हो, पर अभी जो हम ले रहे हैं वो उन्नयन कोण को हम क्या ले लेते हैं, थीटा मान ले रहे हैं। अब ये देखिए पहले इसको आधार रेखा सेट कर दिए, देखो ये दिख रहा है 0, 180, इसी की सीध में आधार रेखा ले सकते हैं, ये भी कितनी होगी 15 मीटर। तो चलिए अब यहाँ से आ जाओ, देखो चलो कहाँ देखना है, खम्बे के शीर्ष, ठीक है, इसको फोकस करना है, ये जो लाइन दिख रही है इसको शीर्ष पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आधार रेखा से पढ़ो जरा कितना हो रहा है, 30 डिग्री
20 अंश है ना, ये कितना आ रहा है 20 अंश। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई। यस मैम। ठीक है, तो अब लेकिन एक बात बताओ, हमने कहाँ से देखा उसको, इस हाइट से देख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की भी जो लंबाई है इसको, ऊंचाई को नापना पड़ेगा, तब हम जो भी यहाँ से हमको खम्बे का मिलेगा उसमें उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब एक्चुअल हमको क्या मिलेगी, खम्बे की ऊंचाई। चलिए इसको भी नाप लीजिए, चलिए फटाफट। बच्चों हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ जो हमें समकोण त्रिभुज एबीसी मिला उसमें लंब यानी कि बीसी को हमें ज्ञात करना है, आधार एबी बराबर 15 मीटर और उन्नयन कोण बीएसी मिला 30 अंश। तो चलिए मान रखते हैं टेन 30 अंश बराबर बीसी बटे 15 और टेन 30 अंश का मान 1/√3। तो हमें मिला बीसी बराबर 15/√3। चलिए वर्गमूल 3 का भी मान रख देते हैं, तो हमें BC का मान हल करने पर कितना मिलेगा, 8.66 मीटर। बच्चों साथ ही जिस बिंदु A से हम खम्बे को देख रहे थे उसकी जमीन यानी कि बिंदु O से ऊंचाई बराबर है PB के, PB यानी खम्बे के पाद बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी, तो PB बराबर OA बराबर 1.5 मीटर। तब खम्बे की कुल ऊंचाई PC बराबर क्या होगी, PB धन BC और PB का मान OA के बराबर यानी कि 1.5 धन BC अभी हमने निकाला 8.6 मीटर। तो कुल खम्बे की जो ऊंचाई मिली 10.1 मीटर।